लिखेंगे रीढ़ तंत्रिकाएं हमारे शरीर में 31 जोड़ी होती हैं जो मिश्रित होती हैं। कैसे होती हैं? मिश्रित होती हैं। रीढ़ तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में रीढ़ तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं जो मिश्रित होती हैं, और प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका अधर मूल का मतलब बेस, अधर मूल तथा पृष्ठ मूल से बनती हैं। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिकाएं अधर मूल और पृष्ठ मूल से बनती हैं। इतना लिख लिया, क्लियर? ठीक है, इतना आपको लिखना था। आपका ये खत्म हो गया, प्रदीप तंत्रिका तंत्र, ये टॉपिक खत्म हो गया। तीसरा क्या था? तीसरा तंत्रिका तंत्र का भाग क्या था? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए, शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। हमने आपको 9 में बताया था ऐच्छिक क्रिया कौन सी होती है, अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है। तो शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन के लिए, स्वायत्त केंद्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेशन लिखिए कि शरीर, मनुष्य के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का, उचित रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ये डेफिनेशन है आपकी। ओके, क्या लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में उचित रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए स्वायत्त केंद्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में उचित रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए स्वायत्त केंद्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। ओके, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये तंत्रिका विलग रूप से, यानी कि अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। ये तंत्रिका अलग रूप से या विलग रूप से कार्य करती हैं। लिखते जाइएगा ऐसे ही, ठीक है। इनमें अनेक तंत्रिका गुच्छक एवं तंत्रिकाएं आदि होती हैं। लिख लीजिए। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुकंपी तंत्र तथा परानुकंपी तंत्र। सिंपैथेटिक सिस्टम। तो डेफिनेशन लिख लिया। क्या लिखेंगे कि दोनों प्रकार के तंत्र एक दूसरे के जब विपरीत कार्य करते हैं, अनुकंपी तंत्र कहलाते हैं। फिर उसी के नीचे लिख लीजिए, जिन अंगों में अनुकंपी तंत्रिकाएं
प्राण जाती हैं उसी के समीप परानुकंपी तंत्रिकाएं स्थिर होती हैं। ठीक है, ये आपका बेटा टॉपिक खत्म हो गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो गया, क्लियर। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र में अंतर क्या है, क्या कार्य में इनके अंतर, ठीक, तो चाहे तो आप नीचे लिख सकते हो अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र के कार्य, क्या लिख सकते हो अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र के कार्य, इसको अंतर के रूप में लिख लो, ऊपर लाइन डाल दो अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र के कार्य और बीच में लाइन खींच के इधर लिख दो अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र, यहाँ ऊपर है डाल लो कार्य अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र के कार्य, ये डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए अनुकंपी अनु परा, परा मीन्स फैलना, बहुत ध्यान समझिएगा, अनु मीन्स छोटा सिकुड़ना, ठीक है, तो अनुकंपी तंत्र क्या करता है, आंखों को सिकोड़ता है, अनुकंपी तंत्र क्या करता है, अनुकंपी तंत्र क्या करता है, फैलाता है, ऐसे आंखों की पुतलियों को फैलाता है, यह अनुकंपी तंत्र, और इसका अपोजिट कर दीजिए परानुकंपी तंत्र, यह आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता है, क्या करता है, ठीक है, पहला अंतर समझ में आया, लिखेंगे यहाँ पर, यह आंखों की पुतलियों को फैलाता है और परानुकंपी में लिखेंगे ये आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता है। ठीक है, नंबर दो, आंखों से जब आंसू निकलते हैं, निकलते हैं आंसू, नहीं निकलते हैं, तो फीलिंग्स होती है पहले, कुछ ऐसे थोड़ी ना आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है, तो अनुकंपी तंत्र क्या करता है कि अश्रु ग्रंथियों से अश्रु को साबित होने को होने के लिए प्रेरित करता है, भाई आंखों में अश्रु ग्रंथियां होती हैं जिनसे आंसू निकलते हैं, ओके, तो ये क्या करता है, उन्हें प्रेरित करता है आंसुओं को निकलने के लिए प्रेरित करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो है वो आंसुओं को निकलने से रोकता है। ठीक है, दूसरा अंतर समझ में आया, पहला अंतर क्या था, अनुकंपी तंत्र आंखों की पुतलियों को फैलाता है, परानुकंपी तंत्र आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है अनुकंपी का, कि अनुकंपी तंत्र जो है वो अश्रु ग्रंथियों से अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है और परानुकंपी तंत्र जो है इसे रोकता है। ठीक है, तीसरा क्या है अनुकंपी तंत्र, लाल ग्रंथियों से लाल के श्रावण को कम करता है, अनुकंपी तंत्र क्या करता है, लाल ग्रंथियों से लाल के श्रावण को कम करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो है वो लाल के श्रावण को बढ़ाता है, यानी कि लाल को बढ़ाता है। तीसरा आपने समझ में आया, लिख लेंगे ना, पॉज कर चुके बेटा, पॉइंट जरूर लिखते रहिएगा, याद रखिएगा, ओके। इसके बाद चौथा देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये रुधिर दाब को बढ़ाता है, अनुकंपी तंत्र क्या करता है, रुधिर दाब को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो है ये रुधिर दाब को कम करता है, क्या करता है, ये रुधिर, सबसे मेन पॉइंट है बेटा कि ये रुधिर दाब को बढ़ाता है और जबकि ये रुधिर दाब को कम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया, क्लियर। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे कि पांचवा पॉइंट लिख लीजिए कि मूत्राशय की पेशियों को थिसिल कर देता है, मूत्राशय की पेशियों को शिथिल, मतलब शिथिल करके फैला देता है, ये समझ लीजिए। इसका अगला पॉइंट होगा, मूत्राशय की पेशियों को शिथिल करके फैला देता है, इसका अपोजिट परानुकंपी में लिख देंगे, मूत्राशय की पेशियों को थिसिल करके सिकोड़ देता है, यह मूत्राशय की पेशियों को सिकोड़ देता है, ये आपका कौन सा हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। और सब एक और पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण को कम करता है, अनुकंपी क्या करता है,
यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण को कम रस के मतलब यकृत रस और अग्नाशय रस के श्रावण को कम करता है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण को बढ़ाता है। अंतर समझ में आए तो ये 5-6 पॉइंट आप लिख लेंगे, क्लियर, ओके, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, आंखों की, पहला पॉइंट क्या है, कंपी में आंखों की पुतलियों को फैलाता है, परान कंपी से कोटता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया है कि अश्रु ग्रंथियों से अश्रु को निकलने के लिए प्रेरित करता है। परान कंपी क्या करता है कि ये अश्रुओं को निकलने से रोकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको क्या बताया है, बताइए, मतलब लाल ग्रंथियों से लाल के श्रावण को क्या कर देता है, कम करता है। परान कंपी जो है लाल के श्रावण को बढ़ाता है, ये रुधिर दाब को बढ़ाता है, ये रुधिर दाब को कम करता है, क्लियर समझ में आ रहा है। यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण को ये कम करता है, ये यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण को बढ़ाता है परान कंपी। इसके बाद अनुकंपी क्या कर देता है कि मूत्राशय को मतलब थिसिल करके फैला देता है और ये सिकोड़ देता है। इतने पॉइंट लिख लीजिए, बहुत है, ठीक है। ये टॉपिक आपका खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए हेडिंग, मतलब आपका तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। इसके बाद डाल दीजिए रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन अगला टॉपिक है। ये हरी डाल दीजिए रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, ओके। इतने नोट्स तैयार कर लीजिएगा बेटा, जो कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप घर आकर के संपर्क करिए, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके, जैसा आपको समझ में आता है हेल्प लेनी हो लीजिए आकर के, लेकिन नोट ज़रूर तैयार करिए, ठीक है, ओके।